अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, एक बहुत मोटिवेशनल स्टोरी न्यू फैंसियर्स के लिए आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। ये आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये कैलिफोर्नियन कॉइल है और बहुत ही खूबसूरत है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने ले लिया। मुझे इसकी ब्रीड की लालच नहीं थी, लेकिन मैंने इस पर बहुत सर्च किया इसको कैसे ब्रीड करवाते हैं। पहले मैंने एक और जगह रखा ऊपर छत पे, एक जगह उनके लिए प्रॉपर, एक जो जैसे कबूतरों के लिए हम लकड़ी का बनाते हैं ब्रीड करने के लिए, जो वो लकड़ी का बॉक्स होता है वो रखा, उसमें तूड़ी डाली, वहाँ पे कुछ अरसा रहे, इन्होंने ब्रीड नहीं किया। उसके बाद जहाँ पे मैंने डव्स रखी हुई हैं, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने प्रॉपर पता चला जी इसके लिए मिट्टी बड़ी ज़रूरी है, मिट्टी में खेलते हैं वहीं पर ब्रीड करते हैं, और एक घड़ा रखे हैं मैंने वहाँ पर, एक प्रॉपर एक घड़ा रखा, प्रॉपर एक उनका सेटअप बनाया। मैंने बड़ी कोशिश की कि ये जो है मेरे पास ब्रीड कर जाए, और वहाँ पे भी ये काफ़ी अर्सा पड़े रहे, इन्होंने ब्रीड नहीं किया। फिर एक और जगह लेके गया, फिर मुख्तलिफ दोस्तों ने मशवरा किया, उन्होंने कहा कि ये जो है अगर ब्रीड कर भी देंगे तो ये अपने अंडों पे खुद नहीं बैठती, इनके लिए आपको जो है वो एक मशीन लानी पड़ेगी, आर्टिफिशियल जो है इनक्यूबेशन करवानी पड़ेगी, वो अंडे रखेंगे मशीन में, उसमें से बच्चे निकलेंगे, बहुत सी स्टोरीज़। लेकिन आपको पता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अब इनके लिए सेपरेट एक प्रॉपर सेटअप बनाता, और दूसरी बात ये कि एग्स नहीं ले कर रही थी। तो फिर मैंने फाइनली ये सोचा कि जैसे ये जो मैंने जब ये एवरी बनाई और इसमें बहुत खूबसूरत एग्जॉटिक फिंचेस छोड़ी, तो मैंने कहा कि मैं जो है वो चले ब्रीड तो लेनी नहीं है, खूबसूरती के लिए जो है मैं इसमें छोड़ देता हूँ। और मैंने जो है वो एक मेल और दो फीमेल जो मेरे पास थी, मैंने जो है वो इसमें छोड़ दी, और मैंने इसका जो है वो ब्रीड का ख्याल जो है अपने जहन से निकाल दिया। लेकिन एक चीज़ मुझे सीखने को मिली कि जब आप दिल से मेहनत करते हैं तो ये मत सोचें कि आपको जो है वो कामयाबी फौरन मिल जाएगी। जब आप दिल से मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला आपको इसका रिवॉर्ड लाजमी देगा, लेकिन सब्र जो है वो इसकी शर्त है। तो मैंने जो है वो यहाँ पे छोड़ दिया, और मैं भूल गया कि मैं चले इसकी ब्रीड आएगी, अंडे आ भी जाते तो मैं उन अंडों को क्या करता। तो फाइनली फिर मैंने ये देखा कि एक दिन जो है वो एक अंडा ज़मीन पर पड़ा हुआ था, वो मैंने जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलें अंडा ही आ गया, पता बर्ड तो ब्रीड कर दिया। लेकिन कुछ अरसे के बाद मैंने जब देखा कि ये जो फिंचेस के बॉक्स हैं, जैसा कि ये जो फिंचेस के बॉक्स हैं, यहाँ पे फिंचेस जो हैं वो ब्रीड कर रही हैं, इसी तरह इस बॉक्स में जब मैंने इंस्पेक्शन करने लगा कि देखो कि किस किस फिंच ने कितने कितने अंडे उतारे हैं, तो यहाँ पर जब मैंने देखा तो यहाँ पर एक फीमेल जो है अंडे देकर बैठी हुई थी, और माशाल्लाह से वो अंडे भी फर्टाइल थे। और कुछ अरसे के बाद जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे निकले, और मुझे पता ही नहीं था, जैसे कि ये जो जाली होती है बहुत बारीक जाली होती है, और इसका बच्चा इतना छोटा था कि इस जाली से वो इतना फ्लेक्सिबल था कि इस जाली से निकलकर बाहर सेन में घूम रहा था। तो मेरी वालदा ने बताया कि बाहर मुझे लगता है शायद चूहे के बच्चे हैं, वो चूहे का बच्चा मैंने देखा बाहर घूम रहा, मैं भागा हुआ आया, मैंने देखा जब गौर से देखा तो इसके बच्चे थे, तो और मैं हैरान हुआ कि माशाल्लाह से इतने फ्लेक्सिबल और इतने छोटे छोटे बच्चे जब निकले, तो यकीन करें कि मुझे इतनी खुशी हुई कि शायद जब मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम अफ्रीकन ग्रे का जो है बच्चा देखा था अपने घर पे, शायद मुझे तब इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी जो है वो मुझे इसके इनके बच्चों की खुशी हुई। तो ये जो है एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना था कि वो दोस्त जिन दोस्तों से मैंने मशवरा किया था, और वो कह रहे थे कि ये जो है अपने अंडों पे नहीं बैठती, आपको आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन करवानी पड़ेगी, तो ये उन दोस्तों के लिए मैसेज है कि अगर आपने ये रखे हुए हैं तो इनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए, और ये अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ चूज़ करेंगे, जो जगह चूज़ करेंगे वहाँ पर ब्रीड करेंगे, उस पर बैठेंगे, और उस पर बच्चों में से अंडों में से बच्चे भी निकलेंगे। तो अभी जो है अभी ये फीमेल दोबारा जो है अंडे ले करके बैठी हुई है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें माशाल्लाह ये इस बॉक्स में अंडे देके बैठी हुई है, और अंडे भी मैं आपको दिखाता चलूँ, कम से कम भी कोई 7-8 अंडे जो हैं उसने अभी दिए हुए हैं, इस तरह के अंडे 7-8 अंडे जो हैं इस वक्त फर्टाइल अंडे पड़े हुए हैं। तो बड़ा बड़ा मज़ा आता है जब आप जो है वो एक बड़े शौक़ से चीज़ लेके आएँ, और आपका शौक़ तो पूरा हो साथ साथ जो है वो ब्रीड भी कर जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और याद रखिए अगर आप दिल से मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला आपको उसका रिवार्ड ज़रूर देगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।